गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरपीएस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड 8। स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर्स में, पिछले वीडियोस में हमने ये चैप्टर्स आपको डिस्कस किया था, एन आइलैंड ऑफ ट्रीज। ठीक है, इसमें इन प्रीवियस वीडियोस कुकीज कन्वर्सेशन टू प्लेस एंड लेट्स एक्सप्लेन अबाउट कुकीज, हाउ कुकी कम्युनिकेट विथ हर ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडमदर हाउ कम्युनिकेट विथ कुकी। इस तरह से कुकी और ग्रैंडमदर आपस में कन्वर्सेशन में टॉक करते हैं, बात करते हैं, और कुकी की ग्रैंडमदर यानी दादी किस तरह से बतलाती है कि मैं जब अपने बचपन के समय में थी तो क्या क्या बातें हुई थी और किस तरह से हमारे पापा हमारे पिताजी ने प्लांट किया था। क्योंकि उनके कुकी को जो दादी थी, उनके जो फादर थे वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे और उनको पेड़ों से बहुत लगाव था। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने एक बंगला भी लिया, तो उसी के स्कर्ट आउट स्कर्ट्स में, और बंगला जब बनवाया तो वहां पर भी उन्होंने पेड़ पौधे को प्लांट किया। उसी क्रम में एक बनियान ट्री की भी बात आती है। बनियान ट्री अपने आप में इस तरह का बनियान ट्री था, यानी बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ आपने गांव में देखा होगा, शहर में ही कहीं कहीं बहुत कम मिलते हैं देखने को। इसकी जड़ें जो निकलती हैं, इसके जो वो भी जड़ जो है, इसके तने से जड़ निकलते हुए भी जाके धरती की तरफ जाती है और उसमें जाके समा उसको कवर करती है। तो एक तरह का बहुत ही मजबूत पेड़ होता है बनियान ट्री, बरगद का। इस एन आइलैंड ऑफ ट्रीज में बरगद के पेड़ में बताती है उनकी कुकी की दादी कि उस समय जो वक्त था, उस समय उस बरगद के पेड़ में, जैसे इनके बंगले के पिछवाड़े में था, तो उस पेड़ उस बरगद के पेड़ में बहुत सारी चिड़िया रहती, बहुत सारे बर्ड्स, ए टाइप ऑफ न्यूमरस बर्ड्स वेर लिविंग एंड देर मेड देयर होम। उन्होंने अपना घर भी बना लिया, घर इन द सेंस कि उसी में रहते थे। उसके साथ साथ हनी यानी शहद भी निकलता था, कैसे, मधुमक्खी का छत्ता भी होता था और बीज का जो छत्ता है उससे शहद निकलती थी, शहद खुशबू आती थी। इतने सारे इस चैप्टर में इसी बात को दर्शाने की कोशिश की गई है कि पेड़ वृक्ष हमारे ट्रीज किस तरह से हमारे धरोहर है। वो सिर्फ हमारा ही धरोहर नहीं है बल्कि इस पूरी पृथ्वी का धरोहर है, सभी के लिए बेनिफिशियल है, सिर्फ इंसान के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी, इस पृथ्वी अर्थ के, हमारे अर्थ के लिए भी। तो बनियान ट्री में इतनी सारी बातें थी जो वहां पर था, मौजूद था। ग्रैंड मदर के समय में ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर वॉज नॉट कंटेंट विथ प्लांटिंग ट्रीज। अब यहां पर ये आइए, ग्रेट ग्रैंड फादर जो थे कौन हुए, कुकी के कौन हो गए, परदादा। क्योंकि कुकी के दादी के ये पापा थे तो कुकी के ये परदादा हो गए। तो ये ग्रेट ग्रैंड फादर जो थे वॉज नॉट कंटेंट प्लांटिंग ट्रीज। कंटेंट मतलब होता है संतोष, संतोष नहीं था उनको, वो सेटिस्फाइड नहीं थे किस बात से, प्लांटिंग ट्रीज से, यानी जितना वो रोकना चाहते, ट्रीज को रोकना चाहते थे उतना वो नहीं कर पाते थे। इस वजह से वो अपने घर के इर्द गिर्द ट्रीज को प्लांट करने के बाद भी वो कंटेंट यानी उनको संतोष नहीं था कि सिर्फ हम अपने गार्डन में ही और घर के पास में जो उन्होंने रोपा था, ग्रेट ग्रैंडफादर ने बहुत सारे पेड़ों को रोपा था, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि वो कुछ और करना चाहते थे अलग से। अच्छा,
अलग से करने की बात क्या है यहाँ? अलग से का मतलब है हम सिर्फ अपनी इच्छाएं सिर्फ अपने घर तक हम सीमित नहीं रखेंगे, हम क्यों ना प्लांट कहीं और दूर जाके रोपेंगे, इस तरह का प्लांट करेंगे जिससे एक जंगल बन जाए, मतलब जंगल हो जाए। बनने का क्या मतलब है, हम बहुत सारे प्लांट्स अगर रोपेंगे एक समय के बाद आएगा बहुत सारे अगर पेड़ बड़े हो जाएंगे तो जंगल की तरह हो जाएगा, फॉरेस्ट की तरह हो जाएगा। आज जब फॉरेस्ट की तरह हो जाएगा बहुत लोगों का रहने का स्थल हो जाएगा वहां, तो दादी जो है यानी कुकी के दादी पूछती है अपने पापा से, पापा क्या जरूरत है वो रिवर बेड के यानी रिवर के किनारे प्लांट ट्री को प्लांट करने का, थोड़ी दूर जाकर करने का क्या फायदा, कोई फायदा ही नहीं है, आएगा पानी आएगा बहा कर ले जाएगा, या बहुत सारे जानवर आएंगे या बहुत से ऐसे इंसान भी आएंगे जो काट कर ले जाएंगे वगैरह वगैरह, कोई फायदा नहीं होगा, क्या दूर करने से क्या फायदा होगा। तो वो बोलते हैं कि ये मेरा फर्ज है मैं करूंगा, करेंगे, और जरूरी नहीं है कि वो उसकी बर्बादी हो जाए, मैं लगाऊंगा पेड़, दैट विल बी सेफ फॉर द मैनकाइंड आल्सो। तो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर बोलते हैं कि प्लांटिंग फॉर द अर्थ बर्ड्स एनिमल्स टू लिव इन एंड टू, मैं ये जो प्लांटिंग कर रहा हूं किसको, ट्रीज को मैं जो प्लांट करूंगा अपने घर से दूर में जाकर, ये अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा हूं, कर रहा हूं आर्थिक के लिए, हमारी धरती तो सुरक्षित रहेगी जिस पर हम खड़े हैं, हमारे बर्ड्स एनिमल्स टू लिव यहां पर रहने का आश्रय स्थल होगा उनका, यानी उनका शेल्टर होगा, एंड फॉर फूड और उनके भोजन का भी व्यवस्था होगा, यानी एक ट्रीज इस सारे प्लांटिंग ट्रीज कितने बर्ड्स के लिए एनिमल्स के लिए अर्थ के लिए बेनिफिशियल होगा, इस वास्ते उन्होंने कहा कि इसका करना हमें जरूरी है। साथ ही जब पेड़ हमारे बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है फॉर एट्रैक्टिंग प्रे, आप देखते होंगे कि जहां फॉरेस्ट एरियाज होता है वहां पर बारिश भी अच्छी होती है, क्योंकि दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर द एटमोस्फेयर ऑल्सो एंड एनवायरमेंट, सो फॉरेस्ट ऑपरेट वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द रेन एंड क्लाइमेटिक चेंजेस ऑल्सो। तो जलवायु में फॉरेस्ट एरिया का बहुत बड़ा हाथ होता है, आप देखोगे जहां फॉरेस्ट एरिया नहीं है वहां बारिश नहीं होती होगी ठीक से और वहां सुखाड़ होता होगा, तो ये सारी चीजें होती रहती है। तो हम इसीलिए फॉरेस्ट एरिया होगा तो ऑब्वियसली है कि अट्रैक्ट करेंगे जितने भी एनवायरमेंट होगा एटमोस्फेयर को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। फॉर प्रिवेंटिंग द बैंक्स, उसके अलावा जब वृक्ष बड़े हो जाते हैं वृक्ष बड़े बड़े पेड़ क्या करते हैं, रिवर्स फॉर प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग मतलब बचाने के लिए किसको, द बैंक्स किनारा किसका, रिवर नदियों के किनारे को भी पेड़ रक्षा करते हैं फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। यानी पानी का भाव ऐसा ना हो कि सारी उर्वरा शक्ति को बहा कर ले जाए, पेड़ों को ले जाए, हाँ वहां के एरिया को बहा कर ले जाए, जहां पर देखते होंगे जहां काफी पेड़ होते हैं वहां अगर बैंक रिवर बैंक है नदी किनारा है तो वहां ये रहता है कि जल्दी से वहां उस एरिया का जो है उसमें पानी उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता है नदी का, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। उसके अलावा बट पीपुल आर नॉट कोऑपरेटिंग, लेकिन आज के दौर में क्या है लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं उल्टे
प्लांटिंग के जगह पर पेड़ को उखाड़ देते हैं, उसको हटा देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि जो पेड़ को आप आज वो काट रहे हैं, उस पेड़ को आने वाला जेनरेशन उसके लिए भूखी होगा, आने वाला समय में और भी कठिन समय होगा। तो हम इतना स्वार्थी नहीं बनना, सेल्फिश नहीं बनना है। तो लेकिन यही पर है, पीपल आर नॉट कोऑपरेटिंग, उस सेंस में कहीं कहीं ऑपरेटिंग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। द वर्ल्ड विल बिकम डेजर्ट, और जाहिर सी बात है जब लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया जो है वो डेजर्ट हो जाएगी, रेगिस्तान हो जाएगा, जहाँ बालू ही बालू नजर आएंगे। और आप कल्पना कीजिए अगर चारों तरफ बालू ही हो जाए, रेगिस्तान हो जाए, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? क्या सर्वाइव करने का हमारे पास कोई पॉसिबिलिटीज है? क्या हम बच पाएंगे उस सर्वाइवल से? नहीं, सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। और ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत ही दुखदायी होगा, आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही टेरिबल होगा। साथ ही मॉनसून सीजन इज द बेस्ट टाइम फॉर वॉन्डरिंग अबाउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें कहती है कुकी के दादी कि कभी कभी ऐसा होता था कि मैं अपने फादर के साथ, हाँ मानसून सीजन जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छा सीजन होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो वो क्या करती थी कुकी के दादी, वो अपने दादाजी के साथ रिवर बैंक में निकल पड़ती थी पेड़ पौधों को देखने के लिए। चारों तरफ चट्टाने रहती थी, चट्टान देखती थी, चट्टान के बगल में वृक्ष है, फिर उसके बगल में जो है पूरा जंगल एरिया है। तो मानसून सीजन में ये लोग घूमते थे, अपने मम्मी और पापा के साथ घूमने निकलती थी। तो अपने एक यादों को समेटी हुई थी इस बातों को, जो ये बात शेयर कर रही थी अपने पोती कुकी के साथ। ठीक है, तो इसमें ये सारे चैप्टर में ये सारे मोमेंट्स बताए गए। कुछ और बातें इस चैप्टर्स में हमने नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे, और उसके बारे में फिर आगे थोड़ी सी कहानी और कंक्लूडिंग पार्ट होगा। वो कंक्लूडिंग पार्ट होगा, दिस विल बी कंक्लूडिंग ऑफ दिस चैप्टर पार्ट, एंड द नेक्स्ट आफ्टर कंक्लूडिंग वीडियोस I will just start a new chapter soon, okay? Till then, goodbye. We shall meet in the next classes. Okay, thanks.